जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत भाद्रपद मास का अंतिम प्रदोष, आखिरी प्रदोष किस दिन पड़ रहा है? प्रदोष के दिन देखिए, इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है, सॉरी गणेश पर्व चल रहा है, तो इस गणेश पर्व में ये प्रदोष और ज्यादा विशेष होने वाला है। पूजा विधि कैसे करेंगे, नियम कैसे करेंगे, देखिए प्रदोष व्रत ना हर तरह की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं है तो उसको बताया जाता है कि शनिवार के दिन जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष से प्रदोष का व्रत धारण किया जाए। वैसे यदि आपकी कोई भी कामना है तो आप सोम प्रदोष के दिन व्रत धारण कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। और काफी टाइम से एक कमेंट आ रहा है एक कि विधवा महिलाओं के लिए पूजा की विधि बताइए। तो देखिए, विधवा महिलाओं के लिए पूजा की कोई अलग विधि नहीं होती है, बस जो सिंदूर वगैरह सुहागिन महिलाएं लगाती हैं वो आपको नहीं लगाना है, बाकी सारी पूजा की विधि वही है, आपके लिए कुछ अलग से नहीं है। श्रृंगार की वस्तुएं जहां पे हम लोग बताते हैं कि ये चढ़ाइए गौरी माँ को, वहां आप नहीं चढ़ाएंगी। आप माँ गौरी से इतना जरूर कहिएगा कि आप माँ अगले जन्म में हमारा सुख और सौभाग्य हमें जब तक जीवित रहे वो लौटाइएगा। हर पूजा में आपको ये कहना है कि इस बार तो हमने जो बिगाड़ा था उसकी सजा हमें मिली, लेकिन माँ अगली बार हमारा सुख सौभाग्य के साथ ही हमारी मृत्यु हो, ऐसी कामना करिए माता गौरी से। पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ आपका सुख सौभाग्य बना रहे, क्योंकि इस समय तो जो हो चुका उसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आप आगे अपनी पूजा में ये बात ध्यान रखें, माँ से हमेशा सुख सौभाग्य मांगती रहे, ये चीज ध्यान रखिए। और चलिए, आगे और कोई आवश्यकता होगी तो आप फिर कमेंट करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आगे और आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, प्रदोष व्रत में आपको क्या करना है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कब की जाती है, तो शाम के टाइम, शाम को प्रदोष काल में। वैसे सुबह भी आप मंदिर जा सकते हैं, घर पे पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष, जैसा कि नाम ही है कि प्रदोष काल में गोधूलि वेला में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो कुछ समय भी आप लोग मांगते हैं, वो समय भी मैं आपको स्क्रीन पर लिख करके दिखा दूंगी। और देख लेते हैं कि इस बार प्रदोष किस दिन आपको मनाना है। तो देखिए, इस बार ना 27 तारीख को, 27 सितंबर को आपका प्रदोष व्रत होगा। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 27 तारीख को 1:45 पर, और चाहिए आपको शाम के समय ही त्रयोदशी, इसलिए उसी दिन रात को 10:18 पर खत्म भी हो जाएगी। इसलिए आपको 27 तारीख बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण करना है। पूजा का सही और शुभ समय है आपके लिए शाम को 6:12 से रात को 8:36 पर, ये 27 तारीख का शुभ मुहूर्त है। तो 27 तारीख को आपको व्रत भी धारण करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त 6:12 से 8:36 तक, आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब देखिए, ये प्रदोष बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि गणपति गणेश उत्सव के समय पड़ा है और बुधवार का दिन वैसे ही गणेश जी को प्रसन्न करने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगी जो गणपति को जरूर चढ़ाइएगा, हर तरह की कामना आपकी पूर्ण होगी, व्रत रखते हैं तो भी, नहीं व्रत रखते हैं तो भी। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो एक प्रार्थना है आपसे कि आप एक लाइक करते हैं तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई, बातें आपको समझ में आ रही है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि धीरे धीरे इसे जब हमारे परिवार की संख्या, मार्गदर्शन परिवार की संख्या बढ़ती है तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। और साथ साथ आपसे कोई महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार छूट ना जाए, इसके लिए भी जरूरी है आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी चीज छिटपुट करके आप यदि देखते हैं, कोई वीडियो देखते कोई नहीं, तो पूर्णतया आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं, बातें पसंद आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 27 तारीख के दिन आपको करना क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, बुधवार का दिन गणपति का दिन है, यदि ग्रहों से देखें तो बुध ग्रह का है। आज यदि आपको, चलिए मैं पहले पूजा विधि बता लेती हूँ। शाम के टाइम जो मैंने समय बताया, उसी समय काल के अंदर आप अपने घर में भी पूजन करिए और मंदिर भी जाइए, और जरूरी नहीं है कि आप उसी में उसी समय में करें, उससे बाद और उससे पहले भी थोड़ा सा कर सकते हैं। आप लोग विशेष समय पूछते हैं तो मैंने बता दिया। और उसके बाद आपको करना यह है कि आप भोलेनाथ की खूब विधि विधान से पूजन करिए, जो भी चीजें मिल जाती हैं, दूध दही घी शक्कर शहद जनेऊ अक्षत भस्म आप सभी जानते हैं, तो जो मिल जाए जितना मिल जाए, और कुछ नहीं मिल पाए तो एक लोटा जल ले लीजिए और बेलपत्र ले लीजिए, भोलेनाथ को चढ़ाइए। घर पे शिवलिंग है तो उनका पूजन करिए, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। मंदिर जाकर यदि करते हैं, मैं विशेष जोर मंदिर पे इसलिए देती हूँ कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं, और जब आप वहां जाकर पूजन करते हैं तो बात ही अलग हो जाती है। वहां पे कहा जाता है कि भोलेनाथ चाहे छोटा शिवलिंग हो या बड़ा, लेकिन जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई वहां साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। आप कल्पना तो करके देखिए कि महादेव विराजमान है और आप उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, आप उनको धूप दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं, अपने आप में रोमांचित करने वाला अनुभव है। तो आप सभी ये जरूर करिएगा,
प्राय मैं कुंडली देखती हूँ तो बहुत सारे दोस्त रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा का दोष है, जो लोग डिप्रेशन में है, परेशान है, वो लोग प्रदोष का व्रत करें। सोम प्रदोष जब भी आप कर लीजिएगा। बुधवार का प्रदोष भी किया जाता है अपने बच्चों की उन्नति के लिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। यदि आपका बच्चा बात नहीं बोल नहीं पाता है, देखिए अधिकांशतः ये समस्याएं आती है, ये जानकारी मुझे इसलिए आप लोगों से ही पता चली है कि जैसे किसी का बच्चा 5 साल का हो गया बोलता नहीं है, ये दोष है अपने आप में, बुध का दोष है। वाणी दोष बुध ही उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे में कभी भी बुधवार को प्रदोष पड़े तो आप धारण कर सकते हैं। इस बार मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप नहीं कर सकते हैं नया कोई व्रत। यदि आप व्रत पहले से कभी प्रदोष का किए हैं तो आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो अभी रहने दीजिए। आप मार्च के बाद नया प्रदोष जब बुधवार का आएगा तो आप प्रारंभ कर लीजिएगा। तो पूजा विधि की बात आपकी हो गई, अब जानेंगे कि पूजा के साथ साथ और क्या चीजें हम कर सकते हैं। यदि आप घर में गणपति रखे हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं रखे हैं गणपति नहीं रखे हैं तो भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए बुधवार का प्रदोष है, आप क्या करिए कि आप हरा पत्ता ले लीजिए, पान का, हरे ही मिलते हैं, पीले भी मिलते हैं लेकिन आपको हरा लेना है। हरे पत्ते पे मूंग की दाल और दो इलायची, सॉरी मूंग, हरे जो मूंग होते हैं, साबुत मूंग और दो इलायची रख करके, और शिवलिंग पे जब पूजा आराधना अपनी कर ले तो अपने हाथों से स्पर्श करके और जो भी आपकी मनोकामना है उस तरह से करके रखिए। और ये काम आप लगातार 40 दिन एक ही शिवलिंग पे करिए, बिना समय गवाए, यानी कि सुबह करें तो सुबह करिए, शाम करें शाम करिए, एक समय करिए। विश्वास के साथ कहती हूँ आपकी जो भी कामना है वो 40-41 दिन में पूर्ण होगी। यदि भोलेनाथ ने चाहा तो उससे पहले पूर्ण होगी, लेकिन काम आपको 41 दिन पूर्ण करना है। ये काम आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं। यदि लहसुन प्याज खाते हैं तो आप सुबह शाम को पूजा करते हैं तो आप लहसुन प्याज न खा करके सादा खाना खाइए, और यदि आप सुबह करते हैं तो फिर उसके बाद आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। इस बीच मांस मदिरा इत्यादि का गलत चीजों का सेवन नहीं करना है। तो ये काम आप सभी कर लीजिएगा। कोई भी काम अटक रहा है तो ये काम आप लोग जरूर करिए। 41 दिन लगातार थोड़ा सा मूंग, पान का पत्ता और दो हरी इलायची ही लेनी है, ये काम कर लीजिएगा। अब बताती हूँ जिन बेटियों की शादी में, विवाह में लेट हो रहा है, या फिर जिनके घर में धन की बरकत नहीं है, जिनके घर में किसी भी तरह से मतलब एकदम लगता ही नहीं है कि घर में जो पैसे आते हैं वो रुकते भी है, बहुत दिक्कत की स्थिति है, तो ये आप लोग ये काम कर लीजिएगा। आज किन्नर को कहीं से भी ढूंढ लीजिएगा, अगर आप आसपास रहते हैं, पता है उनका पता ठिकाना, तो आज हरी चूड़ियों के साथ कोई हरा वस्त्र उनको दीजिए, कुछ पैसे दीजिए, आप देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कार हो जाता है। कोशिश करिए कि आप उनसे कुछ पैसे वापस भी ले लें, सिक्का ले लें या फिर कुछ पैसे ले लें आशीर्वाद स्वरूप। और जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है हरी चूड़ियों के साथ, और उनसे एक हरी चूड़ियां उनसे मांग लें, देखिए जल्दी ही विवाह का योग बनता है। तो आप ये सभी काम जरूर कर लीजिएगा, इस बार का प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ आज गणेश जी को दुर्वा की माला चढ़ाइएगा घर में, मंदिर में, यदि घर में स्थापना है तो ठीक है, नहीं है तो मंदिर में चढ़ाइए। आप देखिए सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये जो गणेश उत्सव का समय होता है ना, इसमें गणेश जी की स्थापना पूजा करें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती है, बस थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी प्रार्थना और थोड़ी सी आराधना से। तो ये था प्रदोष व्रत का पूरा नियम और विधि। सभी उपाय जो है आप जरूर कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा अनुसार मैंने बता दिया कि किस चीज में क्या लाभप्रद है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। वैसे जो दुर्वा वाला उपाय था वो सभी कामों की सिद्धि के लिए किया जाता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, आजकल कमेंट बॉक्स में एक फ्रॉड टाइप का काम हो रहा है, मेरा नंबर करके साधना पांडे का नंबर और आपको भेजा जा रहा है, तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। मैं जो केवल मुंह से इसीलिए तो बोलकर मैं बताती हूं, जो बता रही हूं केवल और केवल मेरा वही नंबर है, नहीं तो कहीं आप लोग फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और तो सब ठीक है। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।